सब्ट्रैक्ट एंड सिंप्लीफाई. मुझसे बोलो, अरे घटाओ रे भाई, घटाओ घटाओ घटाओ, और जीवन को सरल करके ऊपर उठते चले जाओ, उठते चले जाओ. घटाओ घटाओ, जो छूट सकता है छोड़ दो, जो पकड़ा जा सकता है पकड़ लो, जो छूट सकता है जिस समय वो छोड़ दो. मेरे गुरु ने बचपन में एक बात सिखाई थी, बताऊं आपको. 10 साल के हो जाओ, माँ की अंगुली पकड़ के चलना छोड़ दो. 20 साल के हो जाओ, खिलौनों से खेलना छोड़ दो. 30 साल के हो जाओ, आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ दो. 40 साल के हो जाओ, रात को खाना खाना छोड़ दो. 50 साल के हो जाओ, होटलों में जाना छोड़ दो. 60 साल के हो जाओ, व्यापार करना छोड़ दो. 70 साल के हो जाओ, बिस्तर पे सोना छोड़ दो. 80 साल के हो जाओ, लस्सी पीना छोड़ दो. 90 साल के हो जाओ, और जीने की इच्छा छोड़ दो. और 100 साल के हो जाओ. अब इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, फिर भी एक चीज समझ में आई होगी, टाइम पे जो छोड़ देना चाहिए वो छोड़ देना चाहिए. इसको बोलते हैं जीवन में सब्ट्रैक्ट. जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जैसे एक प्रतिमा उसे एक पत्थर उसे सब्ट्रैक्ट कर करके प्रतिमा निकाली जाती है. आपके भी थोड़ी और छेने से धुलाई होगी भाई. कुछ अहंकार को छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, ये षड्यंत्रबाजी छोड़ दो. अंदर अलग बाहर अलग छोड़ दो. दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद के स्वार्थ को पूरा किया जाए ऐसा लोभ छोड़ दो. ये 4 महान दुश्मन है मानवता के, क्रोध मान माया लोभ. क्रोध यानी गुस्सा, मान यानी अहंकार, मायाचारी मतलब षड्यंत्रबाज, और लोभ यानी लालच. अब मुझे आप ये बताओ, ये 4 छोड़ने की भीतर से इच्छा है क्या? क्योंकि ये होगी तब मैं आगे की 9 और छुड़वाऊं, नहीं 4 में ही अगर फेल हो गए तो 9 नहीं छुटेगी. पहले 4 ही छोड़ लो, 3,000 में तो 4 ही छुड़वाऊंगा, 9 और छुड़वाऊंगा तो बहुत दिक्कत. जितना माल दिया है उतना ले लो. हेलो, छोड़ो यार, कुछ छोड़ो. बहुत समय पहले की घटना है, 2014 की होगी, 15 की होगी. मेरे को कोई ये बोले ना कि सुशीला चाहिए कि भिंडी चाहिए. सुशीला को जानते हो कि नहीं? जानना जरूरी है, धर्म पत्नी. तो मैं भिंडी को चुनता था. अब ये भी वही लोग जान सकते हैं कि सुशीला से कितना राग है, फिर भिंडी को चुन रहे हैं, तो मतलब भिंडी मतलब आहा जीवन है मेरा. कोई 200 किलोमीटर से फोन करता, सर भिंडी बनी है, चलो चलो, 200-500 भिंडी. 15-16-17 नहीं नहीं हाँ ये बात है 15 की. तब तक मुझे एहसास हो गया था ये राग भयंकर है रे यार. आपको दरअसल कल्पना ही नहीं है कि भिंडी मतलब मेरे जीवन में क्या थी. तो मैं 12-13-14 में कहता था, लोग कहते हैं यार सर भिंडी 24 घंटे भिंडी खा सकते हो? हाँ, जिंदगी भर भिंडी खा सकते. हाँ, भिंडी, भिंडी के साथ सो सकता हूँ, भिंडी के साथ रह सकता हूँ, भिंडी को पी सकता हूँ, भिंडी ही जीवन है मेरा. 13-14 में समझ में आया, जो चीज जब छूट जानी चाहिए वो आपको छोड़े उससे पहले आप उसे छोड़ दो. मैं कहने लग गया था 14 में, अरे सुनो, आज मैं तरस रहा हूँ, कल ये तरसेगी. 15 के बाद भिंडी तरस रही है मेरे पास भी आने के लिए. जा, तुझे अनंत काल के लिए त्याग दिया. लोगों से दारू नहीं छूट रही, लोगों से अभी तो अहंकार नहीं छूट रहा, लोगों से बुराई नहीं छूट रही. बड़े बड़े लेवल पे जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे और प्लॉट ले ले, प्लॉट ले ले. जिंदगी हो गई मसलते मसलते, फिर जिंदगी तुझे मसलेगी. कोई फूंकी में, कोई फांकी में बीड़ी पी रहा है घूम के. अरे जिस दिन ABPS बन गए और बड़े लीडर बन गए और आप बीड़ी पी रहे हो, वेट गए, क्या शिक्षा मिलेगी समाज को आपसे? नहीं भाई, छोड़ो रे. जब जो छूट सकता है साला छोड़ दो. छोड़ो भाई. हेलो,
आपको नहीं लगता कि ऊपर वो उड़ता है जो हल्का होता है? हल्का वो होता है जो भार छोड़ता है। छोड़ो यार, गठाओ, सरल करो, लाल फीता काट दो, इनोग्रेशन कर दो। कोई आया रे, हेलो, आ रहा है कोई नया निर्माण करके, आ रहा है कोई बड़ा करने, अपनी टीम के लिए नए नए कार्यक्रम करके लाल फीता काट दो। इसका मतलब है कई चीजों के उद्घाटन अब करने की तैयारी करो। लिस्ट कैसे बढ़ाई जाती है, टीम के साथ बैठो। इनविटेशन स्क्रिप्ट कैसे दी जाती है, बेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, फॉर्म की टेक्निक क्या कहती है, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसे डिलीवर कर सकते हैं। बेस्ट चीजें अपने भीतर डेवलप करो, लाल फीता काट दो, वर्कशॉप करो, एक से एक ऑब्जेक्शन मारो। एक आदमी को बिठाओ, 10 जने ऑब्जेक्शन मारो, प्लॉट क्यों नहीं लेना है, मारो उसे, बिठाओ, अभ्यास करो, मॉक ड्रिल करो, नकली में एक्सरसाइज करो, लाल फीता काटो, वर्कशॉप करो, वर्कशॉप करो। अरे ट्रेनिंग से गुजरो, मधुमक्खियां ही इतना बड़ा काम कर ली, प्रकृति को आपसे ज्यादा दे रही है भाई। हमें लाल फीता काटना होगा ताकि हम भी कुछ बड़ा कर सकें। मुद्दे पर पहुंचो, गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट। अगर जीवन को आप ये समझते हैं कि समय बहुत कम है लेकिन पर्याप्त है, तो ये तब ही होगा जब आप दुनिया में आने के बाद फालतू की बातें नहीं, मुद्दे की बात करो। हेलो, मुद्दे की बात। बिना मुद्दों पे जीवन जीना नो डायरेक्शन डायनेमो। बकरी और शेर में क्या फर्क है? बकरियां रोड क्रॉस करती है, साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा, सब घंटी बजाते हैं और ये बेचारी भागती है। और जब शेर चले, अब बजा, तेरा होरन उखाड़ लेगा, बजा मत देना, वो बापू है। क्यों? वो मुद्दे की बात करता है, वो इधर उधर की बात नहीं करता, उसका डायरेक्शन सही है, वो बोल्ड है, वो जा रहा है, उसको जाने दे, वो बापू है भाई। आपको जीवन में मुद्दों पे रहना है, मुद्दों पे रहना, मुद्दे की बातें करनी है, मुद्दे की बातें करनी है। से नो मोर ऑफन, अधिक बार ना कहें। अच्छा, इस बात को समझाता हूं। भारत में कितने लोग हैं भाई? 140 करोड़। परसेंटेज में बताओ, लगभग सफल कितने होंगे, असफल कितने होंगे? छोड़ो, ज्यादा कौन से होंगे, ये बात नक्की है? तो ज्यादा संख्या है असफल लोगों की, तो वही एवरेज आपके जानकारों का होगा। आपके भी जानकारों में से ज्यादातर लोग क्या होंगे? असफल। तो आपके पास जिंदगी में ज्यादातर लोग जो ऑफर करेंगे वो कौन से लोगों के द्वारा आएगा? असफल। इन लोगों को ना कहना है, नहीं ये आपकी पैरावनी निकाल देंगे, ये आपके सुहावनी कर देंगे, इनकी बातों में हां कर करके जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना करो, ना करो चिड़ी कॉमेडी को, ना करो। हेलो, ना करो भाई। अधिक बार इसलिए बोला गया है क्योंकि आपके जीवन में अधिक लोग वो हैं जो आपको, आपका समय बर्बाद करेंगे, आपका मनी बर्बाद करेंगे, आपके एफर्ट्स बर्बाद करेंगे। ना करो जो दुनिया में लालच देने आते हैं, छोड़, यहां से आ जा, वहां जा, लालच नहीं, देख यहां कम मिलता है वहां ज्यादा मिलता है, लालच नहीं। लालच और डर में किया हुआ कोई भी काम आपको बर्बादी की आखिरी सीमा पर ले जाके छोड़ता है। ना ना ना, सबसे पहले ना की दीवार खड़ी करो। हां तो कभी भी की जा सकती है, पहले ना। लेकिन किनको ना? असफल लोगों को, और जो आपकी जिंदगी में टाइम मनी एफर्ट्स को खत्म करे, जो आपको नीचे गिराए, ऐसे लोगों को ना। आगे आएगा हाँ, अभी तो ना।